आज हम देखते हैं इंडियन गुजबेरी, जिसे स्टारबेरी से भी जानते हैं, तो उसे कैसे लगाया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये प्लांट क्या होता है। तो वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टारबेरी यानी कि गुजबेरी का प्लांट है। इस टाइप से कुछ इसके फल होते हैं, कच्चे हो तब हरे रंग के और जब पक जाए तब येलो रंग के इसके फल होते हैं। काफ़ी अमेजिंग सा, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस से ये प्लांट भी मिलता है और ये फल भी काफ़ी हाई प्राइस से मिलते हैं। तो चलिए इसको हम अपने घर पे पॉट में कैसे लगा सकते हैं। ये पॉट में भी बहुत सारे फल लेकर आता है, तो आप एक बड़ा सा पॉट लेके इसमें आसानी से इसे लगा सकते हैं। एक अमेजिंग सा प्लांट है। खाने के अलावा कहीं सारे अचार भी इसके बनाए जाते हैं, आप गूगल से भी इसे जान सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं किस टाइप का इसका पेड़ होता है, कब से इसमें फल स्टार्ट होते हैं, कितने सालों में ये ग्रो करता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस टाइप का इसका पेड़ होता है। इसके एक ही प्लांट में से आपको ढेर सारे फल मिल जाएंगे। इसकी जड़ों में काफ़ी सारे फल आते हैं। देखते हैं किस टाइप के इसके फल होते हैं। काफ़ी सारे फल आते हैं, आपको एक ही प्लांट में से कितने सारे फल मिल जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट में इजीली हमें नहीं मिलता है, काफ़ी मेहनत के बाद मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेयर प्लांट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे लगाया जाता है। तो अगर आप चाहे तो आप इसको बीजों से और कटिंग दोनों से लगा सकते हो। अगर आप इसे नर्सरी में लेने जाएंगे तो इसकी प्राइस है वो काफ़ी हाई रहती है, 400 से 500 में शायद से आपको ये प्लांट मिलेगा। मेरा ये प्लांट मुझे उसी प्राइस में मिला था। तो इस टाइप का इसका प्लांट होता है। पत्ते हमें थोड़े से कड़ी पत्ते जो होते हैं उस टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों को मैच करके देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता है। और इसमें जो फल आते हैं वो जुड़ों के हिसाब से आते हैं। ये मेरे अभी प्लांट में फल नहीं है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा और बारिश की वजह से इसके सारे फल गिर गए हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से फल बचे हैं उससे ही हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फल ले लिए हैं, इसके पके हुए फल आपको लेने हैं। मिट्टी आपको कोई भी नॉर्मल मिट्टी लेनी है, मैंने यहाँ खेत की मिट्टी ली है, जो ब्लैक मिट्टी आती है वो मैंने ली है। आप चाहे वैसे मिट्टी ले सकते हो। आप चाहे तो इसमें से इसे इसके फल होते हैं उसमें से बीज को निकाल कर भी आप इसे डाल सकते हो। अगर चाहे तो इस प्रोसेस से भी लगा सकते हो। आपको करीबन 13 में ये प्लांट आपको अपना बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। नॉर्मल ही प्रोसेस करनी है, ज़्यादा हेवी वाटर भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। उस हिसाब से पानी दीजिए और रिजल्ट देखिए। देखिए इस टाइप का ये इसका प्लांट होता है। बेबी प्लांट कुछ इस हिसाब से होता है और यकीन मानिए ये एक साल में इतना बड़ा ग्रो करता है कि एक साल में इसके फल भी आने लगते हैं। तो ये करीबन 2 महीने का ही हुआ है ये, लेकिन देखिए कितना अच्छा और कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब आप चाहे तो इसे बड़े से पॉट में डाल सकते हो। तो एक इजी सा सिंपल सी प्रोसेस से आपको इतना बेहतरीन प्लांट मिल सकता है। और एक लास्ट बात कि इसे आप कटिंग और इसके जो बीज आते हैं जो हमने अभी देखी है प्रोसेस, उस दोनों से लगा सकते हो। आप कटिंग से लगाते हो तो भी इजी होता है, अगर आपके पास इसके फल अवेलेबल नहीं है और कहीं से आपको ये प्लांट मिल जाता है तो इसकी अच्छी सी कटिंग लगाकर भी आप इसे ग्रो करा सकते हो। काफ़ी इजी टू ग्रो ये प्लांट है और काफ़ी बेहतरीन और अच्छा प्लांट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर से एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं।